मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है दोस्तों, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविहित कर्मों से भरा होना चाहिए दोस्तों। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का बुधवार, तारीख 16 अगस्त 2023। शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु वर्षा। मास दोस्तों अधिक श्रावण मास है। दोपहर 3 बजकर 8 मिनट के बाद निज श्रावण मास शुरू होगा। पक्ष दोस्तों कृष्ण पक्ष है। दोपहर 3 बजकर 8 मिनट के बाद निज श्रावण शुक्ल पक्ष शुरू होगा दोस्तों। तिथि दोस्तों अमावस्या है। दोपहर 3 बजकर 8 मिनट के बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र है। दोपहर 4 बजकर 57 मिनट के बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वरियान योग है। शाम 6 बजकर 30 मिनट के बाद परिक योग शुरू होगा। करण दोस्तों नाग करण है। दोपहर 3 बजकर 8 मिनट के बाद किंस्तुक नकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज कर्क राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:21 पर होगा और निगमन जो 7:05 पर होगा दोस्तों शाम को। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज की नित्य पूजा का संकल्प आप हमें छोड़ना है। इसके लिए, इस संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आप थोड़ा सा जल, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले लें दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्य, प्रवर्त मानस ब्रह्म द्वितीय परार्धे, श्वेत वराह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरे, कलियुगे प्रथम पादे, जम्बूद्वीपे, भरतवर्षे, भरतखंडे, मेरो दक्षिण दिग्भागे, महाराष्ट्र देशे, व्यवहार के चंद्रमाने, शालिवान शक 1945, प्रभावादि षष्ठी सवत्सरम, शोभन नाम सत्सय, दक्षिणायने, वर्षारोह, अधिक श्रावण मासे, कृष्ण पक्षे, बुधवार वासरे, आश्लेषा नक्षत्र, वरियानि होगे, नाग करणे, अमावस्या शुभ तिथि, वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ाप्पा, मोह पात्र दुर्दक्षे द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिषे एवं इष्टलिंग पूजा करिषे। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 3:08 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई धार्मिक विधि के लिए मोह संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर वाले बदले हुए पंचांग का सहारा ले दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त भाग में हम देखेंगे, क्योंकि अमावस्या तो चल रही है दोस्तों, इसलिए मुहूर्त किसी भी धार्मिक विधि के लिए नहीं है दोस्तों। सगाई तथा मंगनी, गोद भराई, नामकरण, मुंडन या छुड़ाकरण, ग्रह प्रवेश दोस्तों,
वैसे ही जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इसी इसी तरह किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्त। कल से यानी निज श्रावण मास से कुछ मुहूर्त तो आरंभ होंगे दोस्तों। दोस्तों ऐसी स्थिति में जब कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है अमावस्या के कारण, दिन विशेष सामान्य दिन है दोस्तों। अग्नि धरती पर दोपहर 3 बजे तक हाजिर है दोस्तों। इसी समय तक आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसे आगे कंटिन्यू रखो दोस्तों, बीच में ही बंद ना करो। और रेगुलर जो है वो आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, हवन होम हवन छोटा हो या बड़ा। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ता है तो कृपा करके राहु की वजह से आपका काम बिगड़ रहा है ये समझ लो और उसको और कोई समय में पूरा करो ताकि आपका काम पूरा हो जाए दोस्तों। दोस्तों यहीं पर यह संकल्प योग खत्म हो चुका है दोस्तों। पंचांग, आज का पंचांग यहीं पर खत्म हो चुका है दोस्तों। संकल्प के साथ की गई पूजा शत प्रतिशत और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं इसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता दाता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिवा महादेव।